नमस्कार दिन गोटायर अपडेट खबर सह आपको स्वागत करुछु मु शक्ति बुलेटिन को आकु नवा पूर्व प्रथम देखनेवा हेडलाइंस एसएफ सौम्या महापात्र मृत्यु को नहीं आसला चांचल्यकर तथ्य विवाह नहीं वर्षिकिया एग्रीमेंट करते सौम्य और विद्या खैरारे छह जणिया तदंतकारी टीम सेपटे महिला आईआईसी आंबुलांस अटकई अभियोग आणिले सौम्यों बापा आरंभरु हट्टगोल दिन दुईटा पर्यंत उभय गृह मुलतवी हट्टगोल भितर प्रधानमंत्री अभिभाषण विरोधी आचरण को दुखद कहिले राजनाथ सिंह दीर्घदिन पर राज्य में 1700 तले दैनिक पॉजिटिव संख्या 24 घंटार 1648 आक्रांत चिन्हट सेपटे पुणी 58 जणंकर जीवन नेला भाइरस खोर्धारु सर्वाधिक 19 मृत्यु बलांगीर में बढ़िवे लगी अंधविश्वास जाल परामाल गांव में गुणी गारिडी संदेह वृद्ध को हत्या परिवार लोकों अभियोग पर पुलिस तदंत जारी आजठ सारा राज्य में बस सेवा आरंभ कोविड कटकणा भितर बस चलाचल मिली अनुमति मे 5 रु यातायात उपर लगी कटकणा अनेक बस रे जांत्रिक त्रुटि थिबारो आज गड़ब 2 रु 3 हजार बस आसंता महाप्रभु बाहुड़ा यात्रा जन्मवेदी छाड़ी रत्नवेदी को बाहुड़े श्रीजीव राति 8 पुरी में 48 घंटिया कर्फ्यू सील हेब सबु प्रवेश पथ सेपटे नवमी संध्या दर्शन वंचित हेले भक्त एसएफ सौम्य महापात्र मृत्यु मामलें खैरारे पहुंची परला खेमुंडी थानार छह जणिया तदंतकारी टीम एही टीम सौम्यों परिवार और संपर्क को पचराउचरा करुछि टीम रे अछन्ति परला खेमुंडी थाना अधिकारी विवेकानंद स्वाई और एसआई ऋणनाथ पटनायक समेत अन्य 4 अधिकारी सौम्य रंजन बासभवन में परिवार और संपर्क को घटना संपर्क में पचराउचरा करा तदंत पर आज कप्तिपदा जा मृत सौम्यों पत्नी विद्या भारती जेरा कर टीम सेपटे डीजीपी को भेटी सौम्यों बापा घटनार उपयुक्त तदंत लगी से डीजीपी को एक दाबीपत्र घटना दिन कहीं आंबुलांस को अधिक समय अटकगला से नहीं प्रश्न उठाई सौम्यों बापा गरबंद थाना आईआईसी को तदंत परिसरभुक्त करने को दावी करते परलाखेमुंडी एसटीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामलें पुलिस डीजी को भेटी मृत सौम्यों बापा और भाई घटनार शीघ्र तदंत दावी कर डीएफओ सौम्यों स्त्री रोसेया लाइ डिटेक्शन टेस्ट करने को दावी कर मृत सौम्यों बापा और भाई हमें आपण को नहीं जाऊँ वर्तमान बालेश्वर खैरा जो सौम्यों परिवार संपर्कियों को पचराउचरा करुछंती आज गजपति आसी पुलिस टीम से आम प्रतिनिधि मनोज प्रधान मनोज जो टीम आसी परलाखेमुंडी आज क्या क्या भेटी पचराउचरा चली भी देखो तो शक्ति साई परलाखेमुंडी जो छह जनिया टीम आसी प्रथम खैरा थाना पहुंची आईआईसी को भेटी परे तांकर 10टा समय ठीक सौम्य रंजन बासभवन में पहुंची थे और 10टा टू एपर्यंत गोटाए बाजला 3 घंटा काल धरी सौम्य रंजन माँ मामू माई एवं भाई एवं परिवारवर्गों सहित पचराउचरा जारी रखिंट एवं भी से घर भितर पचराउचरा जारी रखिंट शक्ति साई तेरे बापा एवं भाई जाते डीजीपी को भेटापी से फेरले वर्तमान सुधा घर को एपर्यंत बापा सका जा फेरी ना कि बड़ भाई सौम्यों बड़ भाई रंजन सी घरे अच्छा जेरा चली तीन घंटा ऊर्ध समय है बर्तमान जो परलाखेमुंडी आईआईसी नेतृत्व में जो टीम आँख पचराउचरा जारी रखी जहाँ सूचना रही है किसी समय भितर से जेरा सरीज और से बाहर को आसे आसला कौन पचराउचरा कले कौन पुलिस को तदंतर क्षय मिल पार्थ्य जमापड़ सत्य सर
केवल तंका परिवार को पचरा उचरा करिवे ना खैरारे आउ काहा को भी मध्य भेटिबार अछि पुलिस टीम देखंतु जहाँ आईआईसी सूचना देते बासभवन जो सम्मेलन बासभवन था परिवार व्यक्ति और सहित संस्पर्श बंधु परिजन और पड़ोसी को पचरा उचरा करेंगे और यापर विद्याश्री घर को जी विद्या सरी विद्याभारती घर को जी और विद्याभारती पचरा उचरा करेंगे जहाँ सूचना देते धन्यवाद मनोज सूचना मनोज प्रधान आम प्रतिनिधि जो भाव में सूचना दूसरे एवं भी पारलाखेमुंडु जा छजिया पुलिस टीम सौम्य बासभवन रे खैरारे घरे वर्तमान पचरा उचरा जारी रखी से माँ का समेत बड़ भाई मामू माई और संपर्क माने अच्छा से पचरा उचरा चली कप्तिपदा जीव यही टीम से विद्याभारती जे कि सौम्य पत्नी तांकु पचरा उचरा कर परिवार लोक पचरा उचरा करिवार कार्यक्रम रही तबे आज डीजीपी को भेटी सौम्य बापा भेटा पर कौन कही प्रतिक्रिया सुन शुणा मोर जो पुत्र मरी जाए दाबी पत्र देवाई आम बारलाख मुंडी मो पु एस एफ चाकरी करते मृत्यु मृत्यु दाबी हूँ आम डीजी को देखा कर देवु ममता राणी हाँ ममता पंडा आई आई सी सी कहीं एम्बुलांस गोटे घंटा अटकैले आमर पारलाखेमुंडी ब्रह्मपुर मेडिकल को किंबा से पाखर मेडिकल न आनी कटक कहीं एफआईआर कले राति नौ सका पाँच घंटा है ये हाँ सका सात पर्यंत आस मो रोगी पहुँचला किंतु अवस्था कौन से जो कौन पोड़ी आत्महत्या कर पोड़ी किंतु तार किसी चिन्ह बन नाई आपको सुकर बेल्ट कराई से झील आसैया डीएफओ एम मिलित भाव में हत्या कर आम बहू जी घर को मोर माँ माई की पचार पुओ सब डिटेल लिखिक देता जे मोर समस्त कथा मो माँ माई को पचारे डिटेल जापर सौम्य बहुत थिला एग्रीमेंट मैरिज उभय बाहा होइतिले किंतु नथिला स्वामी स्त्री रो संपर्क परलाखेमुंडी एसीएफ सौम्य रंजन मृत्यु पछर सत कण से नहीं तनाघना चलता बेले सौम्य रंजन माँ चांचल्यकर खुलासा करिसंती उभय अग्नि को साखी रखी बहुत करते सत किंतु से स्वामी स्त्री रो संपर्क नथिला वर्षे पर्यंत कौन संपर्क रही बोली एग्रीमेंट होता छमास पूर्वे उभय बहुत होते संपर्क ठीक नथिला उभयों मध्य अधिकांश समय झगड़ा लगी रहुला सौम्य माँ पारलाखेमुंडी एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामलें प्रतिदिन किसी नुआ नुआ तथ्य सामना को आसुवा बेले एपरी चांचल्यकर खुलासा कर सौम्य माँ ए संपर्क में अधिक अपडेट पाई कटक्रु जोड़ी होती आम प्रतिनिधि इमरान खान इमरान डीजीपी को भेटी सौम्य बापा तो कौन से दावी रखिले एवं कौन तांको आश्वासना मिली डीजीपी पक्षर देखो शक्ति से जो रहस्यजनक घटना बर्तमान घटी मृत्यु घटना एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र से घटना बर्तमान धीरे धीरे नुआ नुआ रोचक मोड बर्तमान हो जेहतु माँ गोटे पटे अभियोग आंकर एग्रीमेंट होता कि अंपटे बापा आज डीजीपी को भेटी अनेक दाबी से डीजीपी को सामने रखिंट जेहतु से प्रथम कथ कहे कि तदंत उपर भरोसा अच्छे किंतु जो दिग को से बर्तमान इशारा करते से दिग को लेकिन बर्तमान तदंत हो आवश्यकता रही है दाबी करेहतु से पु को हरईंट सो जो दाबी बर्तमान रखिंट प्रथम दाबी है जे डीएफओ और रोसई और सौम्य पत्नी से तीन जन लाइट डिडक्शन बर्तमान करा सहित से घटना पुंगानुपुख तदंत बर्तमान करा सहित जो मैंने संपुक्त अच्छा से तदंत पर भुक्त आहरी गोटे संगीन कथा सामना को से जो रास्त जिते बड़े सौम्य शरीर को लेकिन जो आंबुलांस टी आसूला से आंबुलांस को घंटाएं जी बारे अटकई थे आई आई सी ममता राणी पंडा
ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, କାହିଁକିନା ଯେ ISC ମମତା ପଣ୍ଡାଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କର ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେବେ ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଉଜ ହେବେ, ତ ସେ କାହିଁକି ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଅଟକେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଅଟକାଇବା ପରେ ସେ ଅନେକ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ରହିଥିଲା ସେ ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଯାହାକି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏସବୁ ଦିଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇସାରା କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଡିଜିପିଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇକି ଘଟଣାର ସତ୍ୟସତ୍ୟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେହେତୁ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଡିଜିପି ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜିପି ଏହି ଘଟଣାର ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ମନିଟରିଂ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯାହା ଯାହା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ସବୁ ପାଇଁ ସେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହାକି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଏବେ ପିସିସିପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯିବେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ରହିଛି ସେ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ ସେମାନେ ଇସାରା କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏଥିରେ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ସେ ଯାହାକି ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ଯାହା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରାଯାଉ, କାହିଁକିନା ସେ ଡାଇରୀ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବାର ସେ ସନ୍ଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ DFO ତାଙ୍କ ବହୁ ଏବଂ ରୋଷେୟା ଏବଂ ଯେଉଁ ISC ମମତା ପଣ୍ଡା ଏଇ ଚାରିଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ନଜର ରହିଛି, ଏଇ ଚାରିଜଣଙ୍କର ଘଟଣା ସହିତ ପୁରା ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇକି ସେମାନଙ୍କର ଲୟାର୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସଙ୍ଗୀନ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଏହାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନେଉଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆକ୍ଷେପ ରହିଛି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜମଳେବର ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରାଯାଉ ଏବଂ ISC ଯିଏକି ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଭାଉଜ ହେବେ ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରାଯାଇଥିଲା କି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଏ କଥା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା DGPଙ୍କୁ ଆଜି ଭେଟିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା। ଆରମ୍ଭରୁ ହଟ୍ଟଗୋଳ, ଦିନ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଗୃହ ମୁଲତବୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ତେବେ ଗୃହ ଅଚଳ କରିବାରୁ ଦୁଃଖ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣକୁ ଦୁଃଖଦ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହଙ୍ଗାମା ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ, ଆଜିଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 13 ଯାଏ ଚାଲିବା ଅଧିବେଶନ। ଏଥର ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ 19 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରଖାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ। सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से है, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्री परिषद में मौका मिला, उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बैंक पर से बैंक को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है। और
पुणी घरै हॉस्पिटल रो दादागिरी 1.5 लाख टंका पाई बंधा पड़ी शव टंका दि जा नथिबारु 18 वर्षीय बालक सुभाष नायक रो शव बंधा पड़ी रेलाचल हॉस्पिटल रे 1.5 लाख टंका नदेले शव नदेबाकु जिद धरी बसिछंती हॉस्पिटल कर्मचारी दीर्घदिन पर राज्य में कमी संक्रमण 1700 तले रही दैनिक पॉजिटिव संख्या 24 घंटे 1648 आक्रांत चिन्हट होती किंतु कोरोना मृत्यु में लगिना ब्रेक पुणी 58 जनों जीवन रही वायरस एथिरे खोर्धारु सर्वाधिक 19 जन मृतक रही बरगढ़ 7 गंजामु 5 बलांगीरु 4 जन मृतक रही आज संख्या को मिसाई राज्य में मोट कोरोना जनित मृत्यु संख्या 5116 रे पहुंची गत 24 घंटे कटकु सर्वाधिक 335 खोर्धार 230 पॉजिटिव रही जाजपुर 113 जगत सिंहपुर 112 अनुगुल 99 और बालेश्वर 83 आक्रांत रही ओडिशा रे कोरोना रो स्थिति टेल फेनोमेनन अवस्था रे रही अर्थात संक्रमण कमी की स्थिर अवस्था रे रही गत किछि दिन धरी एही ट्रेंड लागी रही अन्य किछि राज्य रे भी एही स्थिति अछि आशा रही आग को संक्रमण कमिबा एथिपई समस्त को कोविड नियम मानिबा को पड़िबो थर्ड वेव आकलन करा जायछि किंतु आसी नाही आमे वर्तमान सेकेंड वेव रे अछु मद्रास इंस्टिट्यूट जो आर वैल्यू कथा कहूँ ता ग्राउंड रे प्रतिफलित होना संक्रमण कमी थिबारु केमिति आर वैल्यू अछि बोली कुहा जिवो राज्य रे वर्तमान संक्रमण रा ग्राफ तळमुहा होइछि जहाँ आकलन करथिलु सही अनुसार संक्रमित संख्या कमिबारे लागिथिबा कहिछंती जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र केस लोड ओ संक्रमण हार रे उन्नति आसुछि राज्य रा किछि जिल्ला रे एबे स्थिति फ्लाटो स्टेज रे रहुछि एथिपाई आतंकित होबार किछि नहि थर्ड वेव पाई आमे संपूर्ण प्रस्तुत टेस्टिंग ट्रैक ट्रेसिंग और टीकाकरण को गुरुत्व दि जाउछि टेस्टिंग पाई मध्य लैबोरेटरी बढ़ा जाउछि अढ़े मास पर सारा राज्य में गड़ला बस कटका कोहल पर आज सबु रूट्रे चलाचल को मिली अनुमति अवश्य राज्य बाहर को बस चलाचल पर कटक रही बस जात्री मास्क को बाध्यतामूलक छिड़ा हो यात्रा करने लगी कटक गत एप्रिल 10 रु राज्य बाहर को मे 5 रु राज्य भितर बस चलाचल लगी कटक तेज जुलाई 1 रु राज्य 20 जिले में उपर 10 जिले में बस चलाचल को सरकार अनुमति देते राज्यर मोट 16,000 अधिक बस गत 3 मास धरी चलाचल करू नथिला एवं गड़ीबा पूर्वर मरामती हो नथिबारु आज 2 रु 3 हजार बस ही रास्ता कोल्हाई पारे सेपटे आज गड़ब मो बस 16 रूट्रे चलाचल कर 87 बस कोविड रो गाइडलाइन अच्छी से जिन मानिक सब चलु सब जगह स्प्रे रखीचु सैनिटाइज करने मास्क रखीचु पाखे एक्सट्रा काले किए न आनी थे मास्क रखाई सैनिटाइज करने भी स्प्रे दिखाई से जी आस हाथ स्प्रे कर भितर को जीव सीटा को भी आम करटाइज कर कौन सी हालत में आम जो लोक जीवे सुरक्षा और आमर जी सुरक्षा प्लस आमर जो अच्छा क्रू मेम्बर्स ड्राइवर कंडक्टर हेल्पर सुरक्षापी आम सब प्रकार व्यवस्था कर एवं एक्स्ट्रा मास्क भी रखी जदि कौन लोक मास्क न आनी भूली जाइए गाड़ी रे इंस्ट्रक्शन दिखाई ड्राइवर कंडक्टर को जदि कौन लोक मास्क गाड़ी भितर ओल्ल दिए कि खोलिया चेस्टा करे ताले इमीडिएट गाड़ी ओल्ल देव कारण से क्या समस्त इनफेक्शन करदेव तेणु क्या बिना मास्क छड़ा गुणीगारिडी ना पुणी हत्या बलांगीर में गुणीगारिडी सन्देह वृद्ध को हत्या अभियोग सैंतला ब्लक बरामाल गाँव में घटी हत्याकांड मृतक नित्य भू
गुणिगारिणी सन्देह वृद्ध को हत्या करा परिवार लोके अभियोग करिसेंति। पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत जारी रखी। आज वैषम बगटी झीके देवता लगे बोलिकर से गोटे गुनियाटे आनी सेनु मोर बापा के से कहला तु पांगीछु बोलिकर सेनु मोर बापा के से बाबा थी लोक डाक ने पूजा विधि कले आरुटा तु जबरदस्त ना बोलिकर से बाबा कहला तापर से मोर बापा नहीं से फिंगीगला फिंगीगलापर हेके से जार जमीन से पूजा करबू बोला से देवता सेने से लोक कले तेनु मोर बापा सेनु पले आसला पले आएला परे जार जमी बाला किया बगर्ती आर राजेश बगर्ती आसिक मोर बापा के घर टानी नेले सेने दी चापड़ पिटला सेनु पले आसिक घरे सब सुनु सुला परे हेके राति दी बजे आड़के ये घटना घटी। मो साइकल को नहीं राज्य सरकार को बीजेपी रो टारगेट कबाड़ी खाना रे खत खाऊ साइकल दूरदृष्टिहीन योजना करी टंका लुटी नेले लुटी नहीं मालामाल होती किसी दलाल जनता टिकस अपव्यवहार को बीजेपी निंदा कर 25,000 टंकार किणा साइकल को मात्र 500 टंकार बिक्री करा जहाँ तीव्र विरोध करुच्ची बीजेपी सरकार का दुर्नीति विरोध में शिशु भवन छक निकट भुवनेश्वर जिला बीजेपी पक्ष विक्षोभ प्रदर्शन कर देखु राज्य सरकार 2018 मसीह नवेम्बर मसरे ओडिशावासी को एक रंगीन स्वप्न देखले 2000 साइकल को 5 कोटी टंका रे किनिले एवं ता मेंटेनेंस बाबद को आउ 1 कोटी टंका खर्च कले एवं से साइकल गड़ीबा पई विभिन्न जगह रे रास्ता तैयारी कले मात्र 2 वर्ष परे से साइकल को किनिले गोटा को 25,000 कबाड़िया दुकान रे गोटा को 500 टंका हिसाब रे बिक्री करिसेंती। राज्य सरकार भुवनेश्वर वासी को जो प्रतारणा करिसेंती जो निर्यातना दे मानसिक निर्यातना दे रंगीन स्वप्न देखले एवं परवर्ती अवस्था ताकू प्रतारणा कले तारी विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी आज राजरास्ता को ओल्ल जो मैंने आज दोषी तुम कि भाव में दंड दि जापर पूरा संपूर्ण भाव भुवनेश्वर वासी संगे ये गोटे प्रतारणा स्मार्ट सिटी कथा कहले स्मार्ट सिटी योजना को किभली भाव में मैंने प्रतारणा कर शह शह कोटी टंका आसुच्छे केन्द्र रु स्मार्ट सिटी ना किभली भाव में ओडिशावासी की भुवनेश्वर वासी की मैंने ठकुचं यही आपण मैंने अनुमान करेंगे आगामी दिन में जदि जो मैंने आज दोषी तुम न धरा जाए दंड न दि जाए निश्चित भाव में यह लड़े जोरदार हम देखु भारतीय जनता पार्टी सबु कथा को नहीं कि आग को बढ़ुची सरकार मुख खोलुच्छ मो सरकार डिंडिम पिटुंट मो योजना बहुत गुड़े मो योजना भाव में मो साइकल मो बस ये सबु योजना खत खाइले स्मार्ट सिटी नाम शह शह कोटी टंका हरिलुट करा जनसाधारण जो टैक्स दिहि से पैसा भी हरिलुट होतीप भारतीय जनता पार्टी जो मो साइकल बिक्री होबाड़िया तार प्रश्न करुच्ची कौन पर बिक्री है तुम्हें तो साइकल 2000 कि 5 कोटी देकि मेन्टेनान्स बाबद कोटे टाँचा वर्ष को दिहला पुणी साइकल एमती अवस्था कौन है मेन्टेन हो पारानी ताफल कि कबाड़िया को बिक्री कराला
40 টাকা কেজি রে সবাই হচ্ছে বুলেটিন বর্তমান পাই খবর কোয়েট রকিবা নমস্কার।